शनिवार शाम हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान जहांगीरपुरी में क्या कुछ हुआ था, ये पूरी रिपोर्ट दरअसल दिल्ली पुलिस की एफआईआर पर आधारित है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के स्पेशल कमिश्नर रविंद्र यादव, डीसीपी नॉर्थ वेस्ट उषा रंग रानी से जहांगीरपुरी के मौकाए वारदात पर शनिवार शाम के हिंसा की जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम उस मस्जिद के पास खड़ी है जहां आरोप है कि हनुमान जयंती के दिन बवाल मचा था। इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस कर रहा है, अब तक 20 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 जुवेनाइल अप्रीहेंड हो चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन, उनसे इंटरोगेशन चल रहा है, उनसे बातचीत चल रही है। जो ट्रुथ है, सत्य क्या है, क्या न्यूएंसेस इंसिडेंट के हैं, इन तमाम चीजों पे काम कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच को जांच की कमान मिलने के बाद अपराध शाखा के बड़े अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया। स्पेशल सेल की टीम भी कल मौके वारदात पर पहुंची और कई सीसीटीवी के फुटेज की जांच की। इसके अलावा अपराधियों की लिस्ट भी खंगाली जा रही है। इस हंगामे में कुल 7 लोग घायल हैं, जिनमें 6 पुलिसकर्मी और 1 नागरिक शामिल है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है ये सोची समझी साजिश है या अचानक उन्माद का नतीजा था। जांच में ये बात भी सामने आई है कि पूरा मामला 10 से 15 मिनट के भीतर बेकाबू हो गया, लेकिन महज 10 से 15 मिनट के कम वक्त में ही बेहिसाब भीड़ कैसे जुट गई। जांच में ये जानने की भी कोशिश हो रही है कि इलाके में पहले से ही कोई व्हाट्सएप ग्रुप तो सक्रिय नहीं था। घटना के दिन का वीडियो देखिए, किस तरह से बड़ी संख्या में लोग तलवारें लहराते नजर आ रहे हैं, वो भी दिल्ली पुलिस के जवानों के सामने। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक 16 अप्रैल की शाम 6 बजे शोभा यात्रा जहांगीरपुरी के जामा मस्जिद पहुंची। वहां 4 से 5 लोगों के साथ अंसार पहुंचा। अंसार ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस की। झगड़ा इतना बढ़ा कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। हिंसा काबू करने के लिए पुलिस ने 40 से 50 आंसू गैस के गोले दागे। भीड़ की तरफ से फायरिंग भी की गई। गोली लगने से एसआई मेदालाल जख्मी हो गए। पूरे बवाल का बांग्लादेशी घुसपैठिया कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जख्मी मेदालाल के मुताबिक कुछ चश्मदीदों का कहना है कि शोभा यात्रा पर पथराव करने वाले बंगला में बोल रहे थे। लोग साइड से कर रहे थे, वो बंगाली में बोल रहे थे, शायद बांग्लादेशी या बंगाली रहते हूँ, तो बंगाली में बोल रहे थे। मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रहे थे। सुना कि बांग्ला भाषा में बात हो रही है, बांग्ला में भी या कुछ हिंदी में भी, लेकिन जो आदमी हिंदी में बोलता बंगाल का, तो हमारे समझ नहीं आता कि वो हिंदी में बोल रहा है। प्यार से धीरे धीरे बोलेंगे तो समझ आ जाता। दरअसल जहांगीरपुरी में जिस जगह ये हिंसा हुई है वहाँ बांग्लादेशियों की संख्या काफी ज्यादा है। इन पर पहले भी काफी सवाल उठते रहे हैं। क्राइम ब्रांच की जांच में यकीनन ये सवाल अहम होगा कि जहांगीरपुरी हिंसा में इन बांग्लादेशियों का भी कोई कनेक्शन है क्या। अरविंद ओझा, तनसीम हैदर और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद, देखिए जो बांग्लादेशी कनेक्शन बताया जा रहा है चश्मदीद द्वारा, इस पर किस एंगल से पुलिस जांच कर रही है, इस बारे में आगे क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? जी देखिए, बिल्कुल, बांग्लादेशी कनेक्शन को लेकर यह कोई नई बात नहीं है। कल आज तक ने बकायदा खुलासा किया था कि कैसे नॉर्थ ईस्ट 2020 के दंगों के दौरान भी बकायदा, देखिए फॉरेंसिक टीम भी यहां मूव कर रही है, तस्वीरें दिखाता रहता हूं। जैसा आपने सवाल पूछा कि बांग्लादेशी कनेक्शन के बारे में, तो लगातार आरोप लगते रहे हैं कि जो बकायदा यहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए रहते हैं, और साल 2020 में जब नॉर्थ ईस्ट में दंगा हुआ था तो बकायदा दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में इस बात का खुलासा किया है कि यहां से तकरीबन 300 बांग्लादेशी महिलाएं जाफराबाद शाहीनबाग इलाके में गई थी और सीलमपुर में पथराव भी किया था। तो जहांगीरपुरी को लेकर कोई नई बात नहीं है यहां पर सवाल उठना। बकायदा आज तक ने चार्जशीट के जरिए 2020 की यह खुलासा किया था। इन सबके बीच देखिए, इन गलियों से पत्थरबाजी हुई थी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और शायद यही वजह है कि यहां पर जो फॉरेंसिक की टीम है वो अब यहां पर पहुंची हुई है, इस गली में दाखिल होने की कोशिश भी कर रही है। और ये जो इलाके हैं, खासतौर पर ये देखिए अगर आप, तो ये मस्जिद से सटी हुई कॉलोनी है, ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या मस्जिद के अंदर घुसने की जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, क्या किसी ने दाखिल होने की कोशिश की या नहीं की। लेकिन देखिए बकायदा अब इस कॉलोनी में ये जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम है भारी भरकम, उसके अलावा क्राइम ब्रांच के ऑफिसियल है वो भी यहाँ पर मौजूद है, वो अंदर दाखिल हो रहे हैं।
तमाम यहाँ पर एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे। देखिए जिस तरीके से जमकर पत्थरबाजी हुई थी, स्टोन पेल्टिंग हुई थी, उसके अलावा गोलियां चली थी, तलवारबाजी हुई थी, उसके बाद ये जरूरी हो जाता है कि तमाम यहाँ से जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जाए, क्योंकि एविडेंस ही अदालत में काम आता है। तमाम फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, वीडियो है, वो मौजूद है। लेकिन अब इन गलियों में देखिए, ये जो गली है, लॉटरी में आपके पास वहां पर फोरेंसिक टीम मौजूद है। अरविंद ओझा दिखा रहे थे इस वक्त। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं जहांगीरपुरी से ही। आशुतोष, देखिए अलग अलग एंगल से पुलिस की जांच जारी है, ये बेहद संवेदनशील इलाका है, जाहिर तौर पर उस दिन भी एहतियात बरते होंगे, लेकिन क्या चूक हुई जो इतनी बड़ी घटना हो गई और अब इस लेवल पर जांच की जा रही है? दरअसल जांच करनी, जब ऐसी कोई घटना होती है तो जो सबसे पहला प्रोटोकॉल है वो जांच, ये समझने की कोशिश कि आखिर ये वाकया कैसे हुआ। दो बार यात्रा उसी मस्जिद के सामने से गुजरी, कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार ऐसा क्या हुआ जब ये वाकया हुआ, वो भी 6 बजे, जब तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो उस मस्जिद पर रोजा इफ्तार के लिए इकट्ठा हुए थे। इसमें आरोप लगाया गया एक शख्स पर कि देखिए कहा सुनी और वो कहा सुनी क्लैश में बदल गई। लेकिन दो पक्ष हैं, एक पक्ष ये कह रहा है कि देखिए उन्होंने ऊपर से पथराव किया, लेकिन क्या जो ये बातें होती हैं सिर्फ एक तरफा होती हैं, क्योंकि दूसरा पक्ष जो है जिस पर आरोप है वो कह रहा है कि हम इकट्ठा हुए थे, यात्रा निकली, हाथों में तलवारें थी, चाकू थी और वो भड़काऊ नारे लगा रहे थे और जब वहां से शुरू हुआ तो हमने रिटेलिएट किया। ये मुस्लिम पक्ष की ओर से किसी ने ये नहीं कहा कि पथराव नहीं हुआ है, झगड़ा नहीं। वो कह रहे हैं कि देखिए हम पर शुरुआत हुई तो हमने जवाब दिया, ये वो मान रहे और इसीलिए देखिए गिरफ्तारियां हुई हैं। अब इसी बीच इसीलिए दूसरे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जाके सवाल पूछा है कि दिल्ली पुलिस ने जो गिरफ्तारियां की हैं वो सिर्फ एक समाज के लोगों की क्यों की हैं, क्या उन वीडियोस की भी जांच होगी जिसमें तलवारें, चाकू और वो पिस्टल लेके जाते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं, क्या इस बात की जांच होगी कि जो भड़काऊ नारे लगाए जा रहे थे वो उसमें कितना तथ्य है। जब तक पुलिस का दायरा जांच का नहीं बढ़ेगा और ये आश्वासन अगर नहीं मिलेगा कि जो जांच है वो निष्पक्ष है, इसमें कोई जो है लीपापोती नहीं होगी, उसी से जनता का भरोसा बढ़ेगा। लेकिन एक स्थिति आज की जरूर अच्छी है कि जहांगीरपुरी के लोग जैसे रहते थे हमेशा, दशकों से रहते आए, आज के दिन बिल्कुल उनके लिए वैसा ही है। भारी सुरक्षा व्यवस्था, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, तमाम दुकानें खुली हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं, रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में लौट रहे हैं। लेकिन 2 साल में दूसरी ऐसी बड़ी घटना डराती जरूर है, देश की राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती है और लोगों को उम्मीद इतनी जरूर है कि जो घटना हुई अच्छा हुआ, सही समय पर पुलिस उस समय जागी, बहुत कुछ नहीं होने दिया, लेकिन जो हुआ उसकी निष्पक्ष जांच हो और जो जांच का दायरा है वो और बढ़े, जितने वीडियो आए हैं, जितने आरोप हैं, हर तथ्यों की, हर आरोपों की जांच होने। लौटूंगी मैं आपके पास, दो सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए।